ये तो हमने पढ़ा है डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो देखिए व्हेन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, देन हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ डिटरमिनेंट विद देयर कोफैक्टर्स, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ डिटरमिनेंट विद देयर कोफैक्टर, देन वी फाइंड द वैल्यू, देन वी गेट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जब हम डिटरमिनेंट के किसी भी रो कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तब हमें डिटरमिनेंट मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें माइनर और कोफैक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ये तो है कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इस डिटरमिनेंट की कोई भी एनी रो कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तब हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। नाउ नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का फाइंड करने के लिए हमें माइनर और कोफैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो माइनर क्या होता है ये देखिए, माइनर क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट the value of determinant obtained, the value of determinant obtained after omitting the, omitting भी कह सकते हैं और deleting भी कह सकते हो, after delete the value of determinant obtained after omitting or delete the row or column in which that element lie, जिस एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना है वो जिसमें लाई कर रहा है उस रो कॉलम को डिलीट करने के बाद जो वैल्यू है वो हमारे के उससे हमें क्या मिलता है, डिटरमिनेंट। तो माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम आई जे, माइनर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं एम आई जे। सपोज आपको आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है ए इक्वल्स टू ए वन वन ए वन टू ए वन, हमने जनरल ले ली ए टू वन ए टू टू, माइनर डिटरमिनेंट में फाइंड किया जाता है तो आप इसको डायरेक्ट डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। सपोज आपको फाइंड करना है एम वन वन, तो एम वन वन मतलब फर्स्ट, आपका फर्स्ट एलिमेंट का फाइंड करना है आपको वन वन का मतलब, तो आपका ये है वन वन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, तो आपकी ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम, इसको डिलीट करने के बाद आपके पास एलिमेंट क्या बचेंगे ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री। तो आप डिटरमिनेंट माइनर फाइंड कर लीजिए, ये आपको सिंप्लीफाई करना आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, अभी हमने डिस्कस किया है। इस तरह आप किसी भी नंबर का किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह सपोज आपको ए थ्री टू, इसका मीन्स क्या हुआ, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो
सेकंड कॉलम को फ्लिप कर देंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास क्या बचेगा ए वन वन ए टू वन ए वन थ्री ए टू थ्री। तो आप इसको आई थिंक डिटरमिनेंट सॉल्व करना सभी को आ ही गया है। तो इस तरह से हम माइनर फाइंडर कर सकते हैं। माइनर क्या है, कैसे फाइंड करोगे, जो एलिमेंट जिस रो कॉलम में लाई कर रहा है, जिसे हमें जिसका हमें माइनर फाइंड करना है उसको तो क्या करते हैं डिलीट, रिमेनिंग जो टर्म है उससे हमें क्या मिलेगा डिटरमिनेंट की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए हमें माइनर का ही यूज करना पड़ता है। कोफैक्टर में माइनर का साइन चेंज होता है। कोफैक्टर, कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं ए आई जे, इक्वल किसके होता है माइनस वन आई प्लस जे एम आई जे। कोफैक्टर ए आई जे इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे एम, ये हमारा क्या है माइनर जो आपने अभी देखा है, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या करता है माइनर का साइन चेंज, जैसे सपोज आपने एम वन वन फाइंड कर लिया, तो यहाँ माइनस वन की पावर टू वन प्लस वन, तो आपका एम वन वन जो आया है यहाँ पर उसका साइन चेंज होगा, माइनस वन का पावर इवन है तो पॉजिटिव ओड है तो नेगेटिव। हम इस एग्जांपल से इसको अच्छे से अंडरस्टूड करते हैं। ये कोफैक्टर का आपको फाइंड करने का फॉर्मूला माइंड में रखना है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्जांपल से माइनर कोफैक्टर अगर अच्छे से आ गया तो डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का बड़े इजीली फाइंड करना होगा। देखिए जैसे आपको सपोज ये मैट्रिक्स दे रखी है, देखो आपको कहा जाए ए वन टू फाइंड कीजिए ए वन वन फाइंड कीजिए कोफैक्टर। तो आपको फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है कोफैक्टर का क्या होता है हमारे पास, देखो ए वन टू किसकी इक्वल होगा माइनस वन आई प्लस जे वन प्लस टू थ्री। एम वन टू का मतलब आपको पता है क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट, रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बचेगी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर दिया हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई कीजिए क्या आएगा, फोर प्लस एट ट्वेल्व, ठीक है। अब बट यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास माइनस वन का क्यूब माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये ए वन टू की वैल्यू क्या आ गई माइनस ट्वेल्व, इसलिए क्या किया माइनस का साइन चेंज कर दिया। इसी तरह से सिमिलरली आप ए वन वन फाइंड कर सकते हैं, माइनस वन की पावर वन प्लस वन टू एम वन वन, एम वन वन मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट, रिमेनिंग टर्म हमारे पास दिस वन जीरो माइनस से और माइनस की पावर इवन है तो क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा माइनर पे, तो ये माइनस सिक्स ही आएगा। ओके, तो इस तरह से आप कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं, कोफैक्टर में माइनर का यूज होता है। अब आपको फाइंड करना है थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, सपोज आपको इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इसका आपको डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट के लिए आप किसी भी रो को किसी भी रो के एलिमेंट्स को सी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, आप किसी भी रो कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। सपोज हम फर्स्ट रो के अलोन कर रहे हैं, यहाँ नेगेटिव क्यों आया हमारे पास, क्योंकि यहाँ ए वन टू सेकेंड है तो यहाँ ओड होगा, क्या होगा ओड, तो साइन चेंज होगा इसलिए नेगेटिव। जहां भी ओड होगा वहां साइन क्या होगा चेंज, इवन भी साइन क्या रहेगा पॉजिटिव। तो आप इससे आप अपना डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो। देखिए ए वन वन हमारे पास क्या है वन, ए वन वन आप फाइंड कर सकते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट, तो हमारे पास क्या बचेगा
जीरो माइनस टू माइनस थ्री, साइन हमने पहले से चेंज कर रखी है। ए वन टू हमारे पास क्या है, टू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ए वन थ्री क्या है, थ्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। दोबारा से देख लीजिए, ए वन 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 फर्स्ट रो में लाइन कर रहा है और फर्स्ट कॉलम डिलीट, रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो लिख लिए। ए वन टू क्या है, माइनस ये टू, ए वन टू का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट, रिमेनिंग एलिमेंट्स राइट आउट। ए वन थ्री थ्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज। नाउ फॉर इट, जीरो प्लस ट्वेल्व, ओके। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा हमारे पास, माइनस 21 हमारे पास क्या आ गई डिटरमिनेंट की वैल्यू। अंडरस्टूड फ्रेंड, इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे सेकंड ऑर्डर है, चाहे थर्ड ऑर्डर है, चाहे फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक्स फ्रेंड, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है और बोर्ड में भी एक क्वेश्चन जरूर सिलेक्ट होता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पे बेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फ्रेंड्स।